सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमावस्या के टोटके। अमावस्या के दिन वे कौन से उपाय हैं दोस्तों जो करने से आपकी ज़िंदगी में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होने लग जाएगी, और दोस्तों जो भी समस्याएं आपके जीवन में वे दूर हो सके, ऐसे उपाय मैं आज की वीडियो में आपको बताने के लिए जा रही हूँ। वैसे दोस्तों, आम तौर पर जो आम दिन होते हैं उससे अमावस्या है, पूनम है, अष्टमी है, चौदह से ये अमुक दिन ऐसे होते हैं, अमुक तिथियाँ ऐसी होती हैं, इस दिन किया गया काम दूसरे दिनों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता है, कि इस दिन जो आप क्रियाएं करते हैं वो ज़्यादा पावरफुली काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो की विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी लेने के लिए कॉल ना करना पड़े कि मेरी ये समस्या है और मुझे इसकी जानकारी चाहिए। क्योंकि आपकी हर जानकारी, आपकी हर समस्या की जानकारी वीडियो के अंदर दी हुई है। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा लोग पूजा करते हैं पीपल की। आपने देखा होगा कि आज अमावस्या, सोमवती अमावस्या है, वैशाखी अमावस्या है, ये अमावस्या है, वो अमावस्या है। अमावस्या के दिन खास तौर से दोस्तों पीपल की पूजा की जाती है। ये वैशाखी अमावस्या दोस्तों 23 तारीख के दिन आ रही है, बहुत अच्छे से दोस्तों इस दिन को याद कर लेना। और दोस्तों, पितरों की शांति के लिए आप पीपल की पूजा अवश्य ही करना। पीपल में दोस्तों जो जल चढ़ाना, उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य ही चढ़ा देना। एक लोटा जल भगवान श्री हरि के नाम का आप चढ़ाएं, और एक लोटा जल दोस्तों आपको अपने पितरों के नाम का चढ़ाना है। और पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों आपको घी का दिया लगाना है, अगरबत्ती लगानी है। इससे दोस्तों पितरों को काफ़ी शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों गुड़ अवश्य ही रखें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में दोस्तों जो चींटे होते हैं वो ब्लैक होते हैं। जैसे जैसे ये चींटे आपका ये गुड़ खाते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे शनि की पनौती भी आपके ऊपर से कम होने लग जाती है। घर में भी दोस्तों जो आपके आसपास पेड़ हों, पीपल के नीचे भी जो यदि चींटियाँ हैं दोस्तों, तो उन्हें इस दिन दोस्तों आटे के अंदर थोड़ी सी चीनी मिला करके आप अवश्य ही खिलाएं। इससे भी दोस्तों काफ़ी ग्रहों की शांति हो जाती है। शनि है, राहु है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। नौकरी धंधे आपके शुरू हो जाते हैं और काफ़ी सुख समृद्धि का वास घर के अंदर होता है। मछलियों को दोस्तों अवश्य ही आटा खिलाएं। जो जिन्हें दोस्तों संतान प्राप्ति में तकलीफ हो रही है, अमुक ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बाधा दे रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों मछलियों को दाना देना, मछलियों को आटा खिलाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। इस दिन दोस्तों जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो जल दोस्तों मीठा चढ़ाएं। मीठा जल चढ़ाने से दोस्तों आपकी जो प्रतिष्ठा है वो उत्तर उत्तर ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अमावस्या के दिन दोस्तों शिव पूजा, शिव जी के मंदिर में अवश्य ही जाए। कच्चे दूध में दोस्तों काले तिल मिला करके आप शिव जी को अर्पित करें। आपका मन बिल्कुल शुद्ध होगा, साफ होगा, घर के अंदर की कलह जाएगी और पितरों को भी दोस्तों शांति मिलती है। शनि देव के मंदिर में यदि आप पहुंच सकते हैं दोस्तों, तो सरसों के तेल में काले तिल मिला करके शनि देव को अर्पित करें, जिससे शनि देव की जो शनि ग्रह है दोस्तों उसकी शांति होती है। इस दिन दोस्तों यदि आपको बहुत ही अड़चन है, पीड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो एक ब्लू कलर का, नीले कलर का पुष्प दोस्तों 7 बार अपने ऊपर से उबार कर गंदे पानी में बहा दें। शाम के समय दोस्तों आप इस क्रिया को कर लें, आप देखेंगे कि आपके रास्ते में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होने लग जाएंगी। जो दोस्तों बेरोजगार हैं वे इस दिन सुबह एक नींबू लेकर के आएँ, उस नींबू को पूजा स्थान में रख दें, और शाम के समय उस नींबू को दोस्तों 4 टुकड़े बिल्कुल खड़ा करके उसको ऊपर की तरफ से उसके 4 टुकड़े करें। पहले उसको 7 बार अपने ऊपर से उबार लें, उसके बाद दोस्तों उसके 4 टुकड़े करना है। 4 टुकड़े करके उस नींबू को 4 रास्ते में ले जा करके फेंकें। इससे दोस्तों नौकरी धंधे में जो सामान्य अड़चनें आती हैं वे अड़चनें बहुत ही आसानी से दूर हो जाती हैं।
जिन्हें दोस्तों काल सर्प योग है, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, जो परेशान हो जाते हैं, बार बार उन्हें मकान बदलने पड़ते हैं, अचानक नौकरी धंधे में परेशानियां आ जाती हैं, अच्छा अच्छा चलते चलते अचानक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया है और तकलीफें आकर के खड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें दोस्तों इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और उसमें चांदी के नाग और नागिन जो मिलते हैं बाज़ार में वह ले लेने हैं। यदि चांदी के ना हो तो तांबे के नाग और नागिन आप खरीद लें और कच्चे दूध में उसे डालें और दो दोस्तों दो या तीन सफ़ेद पुष्प उसमें डाल दें, वाइट कलर के पुष्प, और उसके बाद में जितना ज़्यादा आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं उतना आप जाप करें। उसके बाद ये जो नाग नागिन की जोड़ी है इसे दूध समेत फूल समेत आप पानी में बहा दें, आप देखेंगे काल सर्प योग का जो तांडव आपके ऊपर चल रहा था उसमें एकदम शांति हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, करने के लायक हैं। जो लक्ष्मी को लेकर के परेशान है, जहाँ जिनके घर में दोस्तों लक्ष्मी टिक नहीं रही है, इस दिन शाम के समय यदि 5 लाल पुष्प और 5 घी के दिए यदि बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिए जाएं, तो लक्ष्मी संबंधित जो भी समस्या है वह समस्या भी दूर होने लग जाती है। दोस्तों ये बहुत ही साधारण दिखाई देने वाले उपाय हैं, लेकिन बहुत कारगत है। अमावस्या के दिन करने वाले और भी जो उपाय हैं उसकी दोस्तों मैं और भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो देखना जरूर ताकि आपको पता चले कि अमावस्या के दिन क्या क्या ऐसे क्रियाएं हैं जो करके आप अपने ऊपर से जो भी तकलीफें हैं, जो समस्या है, उससे आप निजात पा सकते हैं और घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। ये सब कुछ करने में यदि कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।